थाना कोतवाली नगर पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा अंतर्जन पदिया मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया गया पर्दाफाश अभियुक्तों द्वारा कचहरी जिला अस्पताल व अन्य भीड़ भीड़ वाले स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को दिया जाता था अंजाम मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट बदलकर करते थे उसकी बिक्री लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराए जाने तथा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र व अधिकारी नगर राजीव प्रताप सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है थाना कोतवाली नगर पुलिस व एसओजी जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने हेतु भ्रमणशील थी कि संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों के चेकिंग के दौरान पुराना बाईपास शुकुल कुआ के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर अचानक भागने लगे पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध मानकर मोटरसाइकिल सवारों को तत्परता से पकड़ लिया गया तथा उनसे मोटरसाइकिल के वैध कागजात मांगे गए तो वे वैध काग़ज़ात नहीं दिखा सके कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों अभियुक्तों द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को दिनांक 29 मार्च 2024 को कचहरी से चोरी किया गया था जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्होंने कचहरी जिला अस्पताल तथा अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों से कई और मोटरसाइकिल चोरी किए हैं जिसे उन्होंने बाईपास के नदी पुलिया के नीचे झाड़ियों में छिपा रखा है पुलिस द्वारा उक्त स्थान से कुल नौ मोटरसाइकिलें बरामद की गई जो अभियुक्तों द्वारा विभिन्न स्थानों से चोरी की गई थी तथा जिनके संबंध में अभियोग भी पंजीकृत हैं अभियुक्तों द्वारा चोरी की गई मोटरसाइकिलों के नंबर प्लेट या तो हटाकर या बदलकर बेंच दिया जाता था खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन के साथ बीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट क्या मामला ये आज थाना कोतवाली पुलिस और सर्विलांस की टीम एस की टीम संयुक्त रूप से चेकिंग की रही थी चुनाव के मद्देनज़र पुराना बाईपास सुकुल कुआ के पास जो है दो लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे उनको रोकने का इशारा किया भागने लगे दौड़ा करके उनको पुलिस ने पकड़ा तो उनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई जो जिसका मुकदमा कोतवाली में पंजीकृत था कड़ाई से पूछताछ करने पर इनकी निशानदेही पर नौ मोटरसाइकिलें और बरामद हुई हैं कुल लगभग आठ से दस लाख कीमत के दस मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और ये सातिर चोर है जनपद मौदहा के घुशियारी गांव थाना मौदहा का रहने वाला है और अभी इससे पूछताछ की जा रही है कि इसने मोटरसाइकिलें कहां कहां से चुराई हैं इन दस मोटरसाइकिलों में से पाँच मोटरसाइकिलें कोतवाली से चोरी हुई हैं जो लिंक हो गई हैं शेष मोटरसाइकिलों को लिंक करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इन दोनों अभियुक्तों की क्रिमिनल हिस्ट्री है इन पर आगे गैंगेस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी ये कब से जनपद में चोरी करने का कर रहे थे ये पिछले करीब दो से ढाई महीने पूर्व ये जेल से छूटे हुए हैं और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री लगभग बीस वर्ष की है और बहुत ही अच्छे और साथी चोर हैं और बहुत ही अच्छा गुडवर्क किया है हमारा कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने पच्चीस हज़ार का पुरस्कार भी इनको दिया है टीम ठिकाने से बरामद ये आम, केन नदी बाईपास पुल के नीचे थी ये इनको बेचने के फिराक में थे इसीलिए आ रहे थे और ये नंबर प्लेट हटा देते थे अब बदल करके ये गाड़ियाँ सस्ते दामों में लोगों को बेच देते थे